हेलो एवरीवन, दिस इज कुंदन कुमार मेहता एंड यू आर वाचिंग योर अपना वाला चैनल, प्यारा सा चैनल मेरिट यार्ड। तो आज हम लोग क्लास टेंथ का बायो जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो बायो को स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि हम लोगों को क्लास टेंथ का जो बायो है उसमें कौन कौन से चैप्टर जो है उन्हें पढ़ना है या स्टडी करना है। तो चलिए देखते हैं। जो फर्स्ट चैप्टर है आपका वो है लाइफ प्रोसेस, सेकेंड चैप्टर जो है वो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, थर्ड चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, एंड फोर्थ चैप्टर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, अब फिफ्थ चैप्टर जो है वो है आवर इन्वायरमेंट, एंड सिक्स्थ चैप्टर जो है वो है सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये सभी चैप्टर हैं जिनके बारे में हम लोगों को स्टडी करना है क्लास टेंथ में, स्पेशली इन द बायो। तो हम लोग आज के वीडियो में या आज के लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास टेंथ का जो फर्स्ट चैप्टर है बायो का, लाइफ प्रोसेसेस। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं लाइफ प्रोसेसेस। तो देखिए, जैसा कि चैप्टर का नाम ही है लाइफ प्रोसेसेस, यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म को अपने जीवन को मेंटेन रखने के लिए या फिर जीवित रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, उनके बॉडी में जितने भी प्रोसेस होते हैं या उनके द्वारा जो प्रोसेस की जाती है, प्रक्रियाएं संपन्न की जाती है, तो उन्हें हम लोग कहते हैं लाइफ प्रोसेसेस। नहीं, यानी लाइफ प्रोसेस का मतलब कि प्रोसेसेस विच मेंटेन लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। नहीं, या इसी को दूसरे शब्दों में बोला जा सकता है, बेसिक फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ। तो लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या है कि कोई भी जीव है, अगर उसको इस पृथ्वी पर यानी अर्थ पर मेंटेन रहना है, यानी अपने जीवन को बनाए रखना है, तो उसके द्वारा जो है बहुत से एक्टिविटीज जो है उसको किया जाता है। नहीं, कुछ आधारभूत क्रियाएं हैं जो संपन्न की जाती है, जिसे हम लोग लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में कौन कौन से ऐसे क्रियाएं हैं, तो देखिए, जो क्रियाएं हैं फर्स्ट में है न्यूट्रिशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, मूवमेंट हो गया, ग्रोथ हो गया, और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ईटीसी। ये सभी प्रोसेस हैं जो किसी जीव को उनको अपने इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने के लिए आवश्यक है। नहीं, तो कौन कौन से हैं प्रोसेसेस, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, मूवमेंट, ईटीसी, ये सभी प्रोसेस जो हैं मेंटेन, जीवन को मेंटेन करने के लिए आवश्यक हैं। तो यहां पर देखिए एक टर्म आया है इसमें, लिविंग ऑर्गेनिज्म आया ना, तो लिविंग जो है, लिविंग, तो ये लिविंग का मतलब क्या है, तो देखिए लिविंग जो है लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स हम लोग वैसे सबस्टांसेस को कहते हैं जो अलाइव होते हैं। क्या होते हैं? अलाइव, यानी जो जीवित होते हैं या जिनके जिनमें क्या है, जान है। नहीं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, लिविंग थिंग्स कहते हैं, यानी जो अलाइव हो उन्हें हम लोग लिविंग थिंग्स बोलेंगे। जैसे हम लोग क्या हैं, अलाइव हैं। नहीं, हम लोग अलाइव हैं, पक्षियां जो होती हैं, बर्ड्स वो हैं, फिशेज हैं, और भी ऑर्गेनिज्म हैं,
और प्लांट्स जो हैं वो सभी क्या हैं, एलाइव हैं। तो एग्जांपल जो होंगे, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये सभी क्या हैं, लिविंग थिंग्स के अंतर्गत आते हैं। और एक टर्म है नॉन लिविंग, नॉन लिविंग थिंग्स। तो देखिए, बायोलॉजी में अगर किसी शब्द के पहले ए लग जाए या नन लग जाए, तो इसका मतलब यह समझना है कि जिसके बारे में बात किया जा रहा है उसका जो है मीनिंग वहां से अपोजिट हो जाता है। नहीं, जैसे यहां पर क्या है, लिविंग थिंग्स के पहले नन लगा हुआ है, तो इसका मतलब जो लिविंग थिंग के बारे में हम लोग जानते हैं उसके जस्ट अपोजिट जो है इसका मीनिंग निकलने वाला है। तो नॉन लिविंग थिंग्स का मतलब है कि जो एलाइव नहीं हो, नहीं एलाइव जो है नहीं है। अगर एलाइव नहीं है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स कहेंगे। एग्जाम्पल के रूप में आप लोग ले सकते हैं, आपका देखिए पेन, जैसे ये मार्कर क्या है, नॉन लिविंग है। स्टोन हो सकते हैं, बुक्स हो गए, और जितने भी हैं, टेबल हो गया, फैन हो गया, ये सभी क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। तो आपका जो पेन है, बुक्स हो गए, स्टोन, ये सभी क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स हैं। अब आप लोगों के माइंड में ये प्रश्न उठ सकता है कि लिविंग जो है कैसे हम लोग पता करेंगे कि कोई वस्तु जो है, कोई सबस्टांस वो लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है। नहीं, तो चलिए उसे जानने के लिए हम लोगों को कुछ उनके बारे में जो कैरेक्टर्स हैं उनका कैरेक्टर्स जानना पड़ेगा, जिससे हम लोग पता करेंगे कि कौन जो है लिविंग है और कौन नॉन लिविंग है। यहां तक किसी भी प्रकार का किसी को डाउट, अगर किसी भी प्रकार का डाउट आप लोगों के मन में अगर उठता है, प्रश्न उठ रहा है, तो आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ताकि हम अगला वीडियो जो है उसमें आप लोगों तक, आप लोगों का जो प्रश्न है उसका निवारण किया जा सके। नहीं तो चलिए, किसी भी प्रकार का डाउट नहीं है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, अब हम लोग ये जानने वाले हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं या कैरेक्टर्स जो किसी को ये डिसाइड करते हैं कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग है, यानी फैक्टर्स डिसाइडिंग वेदर whether something is alive or not, यानी कोई जीवित है या नहीं है। तो देखिए, वो जो फैक्टर्स हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे हम लोगों को पता चलता है कि कोई भी वस्तु जो है वो लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है। जो फर्स्ट फैक्टर्स हैं वो है आपका न्यूट्रिशन, क्या है, न्यूट्रिशन। सेकेंड जो है रेस्पिरेशन। थर्ड जो है ट्रांसपोर्ट। फोर्थ एक्सक्रीशन। फिफ्थ जो है मूवमेंट। सिक्स्थ जो है ग्रोथ। सेवेंथ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो ये सभी फैक्टर्स हैं जिनसे हम लोगों को पता चलेगा कि कौन सा पदार्थ जो है लिविंग है या फिर एलाइव है और कौन नहीं है। चलिए, तो अब हम लोग लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए ये जानेंगे
कि आप लोग जैसे जानते हैं कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जीवित रहने के लिए फूड जो है वो क्या है, एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, अति आवश्यक है। तो फूड क्या होता है ये हम लोग अब समझने वाले हैं कि फूड का मतलब क्या है या भोजन होता क्या है। तो देखिए, जैसे किसी भी व्हीकल्स को अगर चलाना है तो उसके लिए हम लोगों को क्या फ्यूल की आवश्यकता पड़ती है, यानी फ्यूल के बिना क्या है कि कोई भी व्हीकल्स जो है वो मूव नहीं कर सकता है। तो ऐसे नहीं कि अब सर साइकिल है तो साइकिल मूव नहीं करेगा, तो ऐसा नहीं। स्कूटर, सॉरी स्कूटर कह रहे हैं साइकिल, तो हम लोग वैसे की बात कर रहे हैं जो फ्यूल से मूव करते हों, तो उनको मूव करने के लिए फ्यूल की आवश्यकता पड़ती है। तो ठीक उसी प्रकार हम लोगों का बॉडी क्या है, हम लोगों के बॉडी को जितने भी हम लोगों के द्वारा कार्य संपन्न किए जाते हैं यानी क्रियाएं फंक्शंस जो है परफॉर्म किए जाते हैं, तो उनको कंप्लीट करने के लिए हम लोगों को क्या एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। और आप लोग ये जानते हैं या फिर नहीं भी जानते हैं तो ये जान लें, नहीं कि जो आप लोगों को या हम लोगों को जो एनर्जी मिलता है वो आता कहाँ से है, तो फूड से आता है। कहाँ से? फूड। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि फूड जो है वो किस तरह कार्य करता है, फ्यूल की तरह कार्य करता है, यानी फूड जो है आपका क्या है, फ्यूल है। नहीं, फ्यूल है बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज। नहीं, यानी फ्यूल जो है, सॉरी फूड जो है वो क्या है, एक फ्यूल की तरह कार्य करता है जिसकी सहायता से हम लोग विभिन्न प्रकार के फंक्शंस जो है उनको परफॉर्म करते हैं। जैसे हम यहाँ पर अभी पढ़ा रहे हैं, आप लोग जो हैं क्या कर रहे हैं, ये वीडियो जो है या फिर जो आप लोग पढ़ रहे हैं, तो पढ़ने के लिए भी आप लोगों को क्या एनर्जी की आवश्यकता है। अगर मान लीजिए किसी बच्चे को हम 10 दिन तक भोजन नहीं देते हैं, अब कहेंगे कि चलो बाबू तुम पढ़ो, तो क्या वो अच्छे से स्टडी कर पाएगा? तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको बैठने के लिए भी एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी। नहीं, तो बहुत से क्रियाएं जैसे हम लोगों को मूव करना है तो इसके लिए भी एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आपको बोलना है तो इसके लिए भी एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी। इसके अलावा आप लोगों को अगर बैठना है तो इसके लिए भी एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी। नहीं, तो बहुत से क्रियाएं हैं जिनको करने के लिए हम लोगों के द्वारा फूड को ग्रहण किया जाता है, लिया जाता है। तो आप, मैं समझता हूं कि आप लोगों को अभी यह समझ में आ चुका होगा कि फूड है क्या, या फिर फूड का मतलब क्या है, फूड हमारे लिए क्यों आवश्यक है। नहीं, तो देखिए अब हम लोग जानेंगे, जैसे बचपन में भी, बचपन में नहीं यानी पिछले क्लास नहीं यानी नीचे छोटे क्लासों में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि फूड के क्या होते हैं, कंपोनेंट होते हैं ना। तो हम लोग अब जो है फूड के कंपोनेंट के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो फूड के कंपोनेंट को समझने से पहले एक टर्म है न्यूट्रिएंट्स। नहीं, क्या है? न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स जो है, न्यूट्रिएंट्स, तो ये एक न्यू टर्म आया। तो न्यूट्रिएंट क्या होता है? तो न्यूट्रिएंट एक सब्सटेंस है जो कि भोजन के द्वारा हम लोगों को प्राप्त होता है। नहीं, यानी फूड में ही न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स क्या है? तो ये सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन किसमें, फूड में, भोजन में पाए जाते हैं। अब देखिए, न्यूट्रिएंट्स जो हैं ये मुख्य रूप से टू टाइप्स के होते हैं, यानी मेनली टू टाइप्स होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। देखिए, तो फर्स्ट ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, सेकेंड जो है इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स।
अब हम लोग वन बाय वन जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनके बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो देखिए, फर्स्ट जो है आपका ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, नहीं ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। तो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जो हैं इसके अंतर्गत कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट हैं जो शामिल हैं, तो वो आपका कार्बोहाइड्रेट, सॉरी फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट, सेकेंड प्रोटीन्स, थर्ड फैट्स, फोर्थ विटामिन्स। तो ये फोर कंपोनेंट हैं जो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत आते हैं। और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जो हैं, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, तो इनमें जो है मुख्य रूप से दो कंपोनेंट आते हैं, मिनरल्स एंड वाटर। तो मिनरल्स को ही हम लोग दूसरे शब्दों में इलेक्ट्रोलाइट्स के नाम से जान सकते हैं या इलेक्ट्रोलाइट्स के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, जो कार्बोहाइड्रेट है और फैट, यानी कार्बोहाइड्रेट और फैट, ये जो हैं हम लोगों को किसी भी कार्य को करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं? एनर्जी। यानी ये दोनों प्रोवाइड्स एनर्जी, इसीलिए इन दोनों को हम लोग एनर्जी डोनर के नाम से भी जानते हैं। ऊर्जा दायक माने ऊर्जा जो है ये हम लोगों को देते हैं। जो आपका प्रोटीन है, प्रोटीन ये जो है हमारे लिए अति आवश्यक है, क्योंकि आप लोगों को ये जानकर हैरानियां होगी कि हमारा बॉडी जो है ऑलमोस्ट प्रोटीन से ही मिलकर बना हुआ है। आपका जो बाल है, हमारा नहीं है अभी, नहीं, तो जो बाल है वो प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है, नेल जो है वो प्रोटीन है, मसल्स जो है वो क्या है, प्रोटीन है, आपके जो बोन्स हैं वो प्रोटीन से, ये सभी जो है प्रोटीन से ही मिलकर बने हुए हैं। इसीलिए इस कंपोनेंट को हम लोग बॉडी बिल्डर के नाम से जानते हैं, नहीं यानी शरीर का निर्माण करता है, इसीलिए इनको हम लोग बॉडी बिल्डर यानी शरीर निर्माता के नाम से जानते हैं। नहीं, इसके अलावा मिनरल्स जो हैं ये भी बॉडी के निर्माण में अति आवश्यक होते हैं, इनका भी अहम भूमिका है। चूंकि आप लोग जानते हैं जैसे कैल्शियम बोन्स में पाए जाते हैं, बोन्स को ये स्ट्रोंग बनाता है ना, मैग्नीशियम हो गए, पोटेशियम, सोडियम, ये सभी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, तो इनके उपयोग से भी क्या होता है, शरीर का निर्माण होता है, तो इसलिए ये भी क्या बॉडी बिल्डर में आ गए। और इसके अलावा इनका एक और वर्क है कि हमारे शरीर, सॉरी मिनरल्स के बाद देखिए वाटर, वाटर जो है हमारे शरीर से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को एलिमिनेट करने के लिए उपयोग किया जाता है। यानी हमारे शरीर में जो उत्सर्जी पदार्थ है, जैसे यूरिया, नाम सुने ही होंगे, तो यूरिया जो है इसको बाहर से अगर बॉडी से अगर बाहर निकालना है तो उसके लिए वाटर का उपयोग किया जाता है। और जो वाटर है ये हमारे शरीर में आयनों को मेंटेन करने के लिए, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर जो है ये सभी उनको भी मेंटेन करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो वाटर का ये भूमिका है। तो ये हैं न्यूट्रिएंट्स के टाइप्स। नहीं, अब हम लोग हल्का हल्का क्या थोड़ा डिटेल में इनके बारे में स्टडी करते हैं। कार्बोहाइड्रेट हो गए, प्रोटीन, विटामिन, फैट्स, मिनरल्स, नहीं, तो चलिए देखते हैं यहां तक किसी भी प्रकार का किसी को दिक्कत या डाउट नहीं ना, तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए,
जो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं उसका जो फर्स्ट कंपोनेंट कौन सा था? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं हमारे शरीर को क्या करते हैं? एनर्जी प्रदान करते हैं, नहीं, फर्स्ट प्रोवाइड्स एनर्जी, नहीं, कोई भी कार्य है उसे करने के लिए कार्बोहाइड्रेट क्या ऊर्जा प्रदान करता है। सेकंड, जैसे कार्बोहाइड्रेट, कुछ कार्बोहाइड्रेट के बारे में स्टडी, जैसे सेलुलोज। सेलुलोज का नाम आप लोग पहले से ही जानते हैं। तो सेलुलोज जो है ये एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, नहीं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, जिसका उपयोग प्लांट के द्वारा किया जाता है सेल वॉल फॉर्मेशन में। किसमें? सेल वॉल फॉर्मेशन, यानी प्लांट का जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज नामक कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना हुआ है। और देखिए, जैसे स्टार्च, स्टार्च हो गया एंड ग्लाइकोजेन। जो स्टार्च है ये क्या है? तो ये प्लांट में जो, अगर ग्लूकोज है, अगर प्लांट बॉडी में एक्सेस अमाउंट में हो जाता है तो क्या होता है? स्टोर हो जाता है उनके बॉडी में। तो किस रूप में? स्टार्च के रूप में। तो एक्सेस ग्लूकोज है वो स्टोर होता है प्लांट के बॉडी में स्टार्च के रूप में। ठीक उसी प्रकार अगर हमारे बॉडी में ग्लूकोज का लेवल अगर बढ़ जाता है तो हमारे बॉडी में क्या होता है? ग्लूकोज जो है वो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, नहीं, एक्सेस हो जाएगा तो वो भी स्टोर हो जाएगा हमारे बॉडी में ग्लाइकोजन के रूप में। और इसीलिए इनके फंक्शंस के हिसाब से जैसे ये क्या हो रहे हैं? स्टोर हो रहे हैं हमारे बॉडी में, इसीलिए इनको हम लोग स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट। अब देखिए, आप लोग जानते होंगे या फिर सुने भी होंगे, कभी जभी डॉक्टर्स के पास जाने पर अगर किसी को अगर मान ले वीकनेस हो रहा है तो उस कंडीशन में डॉक्टर्स जो हैं उनको क्या करते हैं? ग्लूकोन डी जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो ग्लूकोन डी क्या है? ग्लूकोज है, यानी वो जो है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज क्या है? एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट ही है और वो सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है। सिंपलेस्ट क्या है? सिंपलेस्ट यानी सबसे साधारण जो है वो कौन सा कार्बोहाइड्रेट है? तो सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज है, नहीं, कार्बोहाइड्रेट। सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट आपका कौन है? ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला आप लोगों को पता ही होगा, नहीं पता है तो यहां देखिए, जान लीजिए, C6H12O6, नहीं, ये है ग्लूकोज, सबसे सिंपलेस्ट ग्लूकोज है। अब तो ये हुआ कार्बोहाइड्रेट के बारे में। अब हम लोग प्रोटीन्स के बारे में देख लेते हैं। तो अगला कंपोनेंट है वो कौन सा है? वो है प्रोटीन, नहीं, तो जैसा कि हम अभी तुरंत आप लोगों को बताए थे कि प्रोटीन जो है वो हमारे शरीर का निर्माण करता है, यानी प्रोटीन जो है इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? बॉडी बिल्डर, नहीं। अब प्रोटीन जो है हमारे शरीर में, प्रोटीन का जो निर्माण है वो एमिनो एसिड से होता है। किससे होता है? एमिनो अम्ल से, नहीं, यानी फॉर्मेशन जो प्रोटीन का हुआ है किससे हुआ है? एमिनो एसिड से हुआ है। अब देखिए, जो एमिनो एसिड होते हैं वो हमारे बॉडी में 20 टाइप्स के होते हैं। कितने प्रकार के? 20, यानी 20 प्रकार के एमिनो एसिड पाए जाते हैं। आउट ऑफ 20, यानी 20 में से 10 जो है वो इसेंशियल होता है और 10 जो है नॉन इसेंशियल, नहीं, 10 क्या होता है? इसेंशियल, और 10 जो है नॉन इसेंशियल,
तो इसेंशियल का मतलब है कि वैसे एमिनो एसिड जिनका निर्माण हमारे बॉडी द्वारा नहीं होता है, वो हम लोग डाइट के रूप में यानी फूड यानी बाहर से भोजन के रूप में उसको प्राप्त करते हैं। और नॉन इसेंशियल का मतलब कि वैसे एमिनो एसिड जो हमारे शरीर में अपने आप बनते हैं, नेचुरली उनका निर्माण होता है नहीं, तो उनको हम लोग नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड कहते हैं। तो ये है प्रोटीन के बारे में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला जो है क्या है, फैट। क्या है, फैट्स। तो देखिए जो फैट्स होता है वो भी क्या है, हम लोगों को एनर्जी प्रदान करता है, प्रोवाइड्स एनर्जी। और इसके अलावा फैट का जो निर्माण होता है वो किससे होता है, तो दो केमिकल हैं जिनसे इसका निर्माण होता है, वो है फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल। नहीं, 3 फैटी एसिड और 1 ग्लिसरॉल जो है कंबाइन करके 1 मॉलिक्यूल ऑफ फैट्स क्या तैयार करते हैं। तो इस प्रकार हमारे बॉडी में फैट्स का निर्माण होता है। अब अगला जो है, यहां तक किसी प्रकार का किसी को डाउट? अगर किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं नहीं। और अगर वीडियो पर आप न्यू हैं, चैनल पर न्यू हैं, तो आप क्या करें कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले वीडियो का अपडेट जो है आप तक पहुंचता जाए, यानी पहुंच जाए। अगला कंपोनेंट जो है वो क्या है, विटामिन्स। नहीं, यानी विटामिन्स की बात करते हैं। तो विटामिन्स क्या होते हैं, ये हमें विभिन्न प्रकार के बीमारियों से बचाते हैं नहीं, यानी रेसिस्ट डिजीज। डिजीज यानी बीमारियों से हमारी रक्षा करने वाले हैं। विटामिन्स की बात करते हैं तो ऐसे तो हमारे बॉडी में जो है विटामिन्स जो हैं वो विभिन्न प्रकार के पाए जाते हैं, जैसे विटामिन ए हो गया, विटामिन बी हो गया, विटामिन सी हो गया, विटामिन डी हो गया, विटामिन ई हो गया, विटामिन के हो गया नहीं। तो इतने टाइप्स हैं विटामिन के, लेकिन हम लोगों को यहाँ पर उतना डिटेल में स्टडी नहीं करना है। तो विटामिन्स में जैसे एक विटामिन डी का नाम देखिए, विटामिन डी जो है, विटामिन डी ये जो है इसका निर्माण जो है हमारे बॉडी में होता है, यानी बॉडी सेल्स जो हैं उसमें होता है। लेकिन ये विटामिन डी जो है ये एक्टिव होता है, क्या होता है, एक्टिव यानी फंक्शनल, कार्य करने योग्य। ये विटामिन जो है कब होता है, जब इस पर यूवी रेज पड़ता है। कौन सा रेज, यूवी रेज यानी अल्ट्रावायलेट किरणें पड़ती है, तो ये एक्टिव हो जाता है। और ये एक्टिव जो होता है वो कहाँ होता है, तो हमारे स्किन में नहीं। विटामिन डी जो है वो बॉडी सेल्स में बनते हैं, लेकिन उसका एक्टिवेशन हमारे स्किन में होता है इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी रेडिएशन। ये इंपॉर्टेंट बात है, तो इसे याद रखेंगे आप लोग। तो ये हुआ विटामिन्स। अब हम लोग इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स के बारे में जानेंगे। तो फर्स्ट जो है इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स वो क्या है, मिनरल्स। नहीं, तो मिनरल्स जो होते हैं इनको हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स के नाम से भी जानते हैं। तो आप लोगों ने सुना होगा कि हमारे बॉडी में विभिन्न प्रकार के मिनरल्स पाए जाते हैं, जिनका उपयोग हमारा बॉडी जो है अपने शरीर के निर्माण में करता है। तो मिनरल्स में जैसे कैल्शियम आयन हो गया, कौन कौन, कैल्शियम हो गए, सोडियम हो गए, पोटेशियम हो गए,
मैग्नीशियम हो गए, आयरन हो गए, ईटीसी, ये सभी क्या है, इनको हम लोग मिनरल्स कहते हैं। ये जो हैं कुछ मिनरल्स या न्यूट्रिएंट्स जो हैं प्लांट के द्वारा भी उपयोग किए जाते हैं, इसके अलावा एनिमल्स के, यानी दोनों के द्वारा इनका उपयोग किया जाता है। तो ये मिनरल्स हो गए। लास्ट जो है आपका वाटर, वाटर यानी H2O, नहीं वाटर, जो वाटर है इसका उपयोग हमारा बॉडी जो है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है जैसे कि यूरिया हो गया, तो इनको शरीर से बाहर करने में यानी एलिमिनेशन में या फिर एलिमिनेट करने में हमारा बॉडी क्या वाटर का उपयोग करता है। तो ये हुआ आपका न्यूट्रिएंट्स जो है उसका टाइप्स। तो अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर में जो भी या फिर जिसके बारे में पढ़ा, तो उसको हम लोग अब एक समरी के रूप में देख लेते हैं कि अभी तक हम लोग किस किस चीज़ों के बारे में पढ़ चुके हैं। तो चलिए देखते हैं। तो हम लोग स्टार्ट किए थे कहाँ से, लाइफ प्रोसेस से, लाइफ प्रोसेसेस से स्टार्ट किए थे। इसमें हम लोग पहले इसके डिफिनेशन के बारे में जाने कि किसी भी जीव को अगर जीवित रहना है तो कुछ बेसिक फंक्शंस जो हैं उनके द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं, नहीं बेसिक फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा। अब देखिए जो यहाँ पर हम लोग, फिर इसके बाद हम लोग थिंग्स के बारे में जाने कि पदार्थ या मैटर वो टू टाइप्स के होते हैं, एक को बोलते हैं लिविंग थिंग्स और एक को नॉन लिविंग थिंग्स। तो लिविंग थिंग्स किसे कहते हैं हम लोग, जो एलाइव हो, और जो एलाइव नहीं हो यानी नॉट एलाइव वो होता है नॉन लिविंग। इसके बाद हम लोग जाने कि जो लिविंग है या एलाइव उसका कैरेक्टर्स क्या क्या है, कब हम किसी को एलाइव कहेंगे। तो जो प्रोसेस हैं उनके द्वारा सुन किए जाने कौन कौन से प्रोसेस हैं, तो उनमें न्यूट्रिशन होना चाहिए, रेस्पिरेशन होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, एक्सक्रीशन होना चाहिए, ग्रोथ होना चाहिए, मूवमेंट होना चाहिए, ETC। ये सभी प्रोसेस हैं जो उनके द्वारा सोन किए जाएंगे तो हम समझेंगे कि वो क्या है, लिविंग है। नाउ हम लोग आगे फूड के बारे में जाने थे, इसमें भोजन के बारे में। तो भोजन क्या होता है, एक फ्यूल होता है, नहीं जो क्या करता है हम लोगों को एनर्जी प्रोवाइड करता है, किसी भी वर्क को करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब जो फूड है, फूड उसमें क्या पाए जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स। यहां पर हम लोग न्यूट्रिएंट्स पढ़े थे टू टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स और सेकेंड इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स।
ऑर्गेनिक में हम लोग न्यूट्रिएंट्स के बारे में स्टडी किए थे, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स थे, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स एंड विटामिन्स। इन ऑर्गेनिक में हम लोग मिनरल्स के बारे में स्टडी किए, मिनरल्स एंड वाटर। तो कार्बोहाइड्रेट और फैट जो है, इन दोनों से हम लोगों को क्या प्राप्त होता है, एनर्जी मिलता है। जो आपका प्रोटीन है ये क्या करता है, प्रिपेयर बॉडी, शरीर का निर्माण। इसके अलावा फैट्स, इसके अलावा विटामिन्स जो हैं ये क्या करते हैं, तो हमें विभिन्न प्रकार के रोगों से रक्षा करते हैं, रेसिस्ट डिजीजेस। मिनरल्स जो हैं वो भी मिनरल्स, जैसे कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सभी पाए जाते हैं। मिनरल्स जो हैं ये हमारे बॉडी को क्या, वो भी फॉर्मेशन में मदद करते हैं, यानी बॉडी को बिल्ड करते हैं। वाटर जो हैं ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो हैं, इनको एलिमिनेट करते हैं। यहां तक हम लोग स्टडी किए थे, नहीं, अब हम लोग अगले लेक्चर में कुछ क्वेश्चन जो हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे, या फिर क्वेश्चन जो हैं उनको करेंगे, जो हम लोग आज पढ़े हैं उनसे रिलेटेड जो हैं क्वेश्चन हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।